बसंत पंचमी का त्यौहार छेवीं पातशाही साहब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी गुरद्वारा श्री छियाटा साहिब विखे हर साल की तरह बड़े ही हर्षोल्लास नाल मनाया गया, जिस दौरान वड्डी गिनती विच संगतां वल्लों गुरद्वारा साहिब विखे पहुँच के सरबत दे भले की अरदास की गई और सब शहर वासियां नूं बसंत पंचमी के दिहाड़े की वधाई दी गई। इस मौके गुरद्वारा साहिब नूं मनमोहक फुलां नाल सजाया गया और साडी फास्टवी न्यूज़ टीम नाल गलबात करदिआं आख्या गया कि वह बहुत वड्डभागी हन जो गुरद्वारा साहिब विखे पहुँच के गुरु साहिब जी का आशीर्वाद प्राप्त करन आए हैं। इस मौके संगतों वालों वड्डी गिनती विच छियाटा ग्राउंड विखे पतंगबाजी भी की गई। छेवीं पातशाही श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी का गुरुद्वारा है, इत्थे हर साल बसंत पंचमी लगती है, बड़ी संगत श्रद्धा भावना नाल मनाउंदी है। सब तो पहला जी आप दे चैनल राही जी संगत दर्शन कर रही है, सारिआं नूं पहला गुरफतेह प्रवान होए, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जो अज दा पवित्र दिहाड़ा है ये बसंत पंचमी का जोड़ मेला जो सालाना हर साल श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी मैनेजर गुरद्वारा छियाटा साहब इलाके के समूह संगतां सहयोग सदका मनाया जाता है। जब धन गुरु अर्जन देव पातशाह के ग्रह विखे गुरु हरगोबिंद साहब जी ने जन्म लिया उस वक्त इस इलाके पानी की बहुत थोड़ सी, जब संगतां ने सतगुरु साहब नूं वधाइयां दित्तियां नाल अरजोई की सच्चे पातशाह आप जी के घर पुत्र ने जन्म लिया कोई ऐसी निशानी ला चलो जो रेंदे समय तक दुनिया उपर कायम रह सके। सतगुरु साहब ने संगतां दी मंग नूं पूरा करदा होया जो मुख लोड़ सी खूह उस नूं लवाया। उस समय पुरातन समय एक मल चलदी सी पर सतगुरु साहब ने खूह दे विच छे मलां चलवा करके इस जगह का नाँ छेहाटा साहब रख्या। अज भी असं देखते हैं कलयुग के समय के प्रचलन वरत रहा है, जिन्हिया भी मेरिया पावं भैनों जिन्हें कोई संतान ना होंगी हो पूर्ण श्रद्धा के नाल बारह पंचमी इनान कर लैन सतगुरु साहब का वार अज भी साबित हो रहा अपनी खुशियां खेड़ लेंदे ने। सो ये बसंत पंचमी का त्यौहार उस संबंध में मनाया जाता है। आप जी जिस तरह देख रहे हो कितने बहुत आत संगत संगत जी पहुँच रही है, कल भी शाम धार्मिक दीवान सजे से अज भी सवेर तो निरंतर दीवान चल रहे हैं और संगत होम होम आ के पहुँच रही ने गुरु घर की खुशियां प्राप्त कर रही हैं। अं श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह जी पवित्र चरण छोह जगह प्राप्त दर्शन कर आए हैं, दर्शन कर किए हैं, बहुत प्रसन्न हुए हैं। गुरु महाराज की बड़ी कृपा है, महाराज हर कित कृपा रखे। छेवीं पातशाही धन धन श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी की चरण छोह प्राप्त गुरद्वारा श्री छियाटा साहब विखे बसंत पंचमी का जोड़ा त्यौहार है बड़ी ही हरसो उल्लास नाल मनाया जा रहा, जिस संबंध में संगत वड्डी तादाद में पहुँच के गुरु घर का आशीर्वाद प्राप्त कर रही ने। एको ही सब दे भले की अरदास की जा रही है कि सब दे घर सुख शांति चढ़दी कला रहे, हर परिवार सुख शांति नाल रहे। तो गल कर लिए तो बड़ा ही पवित्र स्थान है, इत्थे दुध वाले नूं दुध ते पुत वाले नूं पुत हर तरह की मनोकामना सब की पूरी होंदी है, कोई जिस तरह की मुराद लैके आ रहा इत्थे उदां दा फल इत्थों पा के जा रहा है। कैमरामैन राजन कुमार दे नाल सुशील शर्मा, फास्ट न्यूज़ अमृतसर।